हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकस्ट नंबर वन पर। आई थिंक आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज जीकप 2024 के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। और जो स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है वो स्टूडेंट भी बिल्कुल परेशान ना हो। सबसे पहले जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। अब उनको आगे का प्रोसेस बहुत जल्दी जान लेना है, ऐसा ना हो कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है बाद में आपको ये सीट भी आपकी रद्द कर दी जाए। तो ध्यान से जान लीजिए यूपी पॉलिटेक्निक काउंसिल 2024 के आगे का प्रोसेस क्या है, तुरंत जान लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है, कहाँ करवाना है, फ्रीज फ्लॉट क्या है, कब करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अब आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, गलती नहीं करना है, नहीं मिली हुई सीट भी कैंसिल हो जाएगी, ओके। और जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है वो स्टूडेंट लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो दोस्तों यहां पर आगे का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस पूरा आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्या कैसे करना है ये चीज मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है सीट अलॉटमेंट का। अब जैसे ही आप लोग कल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का प्रोसेस क्या है ये चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी यहां पर प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, कल ये ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। पूरे क्या है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हो गया है, उसके पश्चात आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रीज फ्लॉट। आपकी बार सिस्टम हट गया है फ्रीज फ्लॉट का, तो ऑल कैंडिडेट फ्रीज माने जा रहे हैं, ठीक है, ऑल कैंडिडेट फ्रीज माने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है वो स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कल चेंजेस आता है इस टॉपिक पर, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बहस हुई है, इस पर बहुत ज्यादा वो हुआ है ना, स्टूडेंट में बहुत ज्यादा ट्रेंड चलाए थे कि नहीं सर ये प्रोसेस होना चाहिए फ्रीज फ्लॉट वाला सिस्टम, अगर कल प्रोसेस आता तो मैं कल प्रोसेस आप लोग को यह भी समझा दूंगा। अगर नहीं आता तो आप लोग ऑल कैंडिडेट फ्रीज माने गए हैं, जो स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वो स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहां पर जाएंगे फ्रीज करेंगे, ऑल कैंडिडेट फ्रीज हैं, उसके पश्चात क्या करना है, तो उसके बाद एक आप लोग को सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिपोर्टिंग सेंटर, कहां आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं। तो सभी जिले में अपना अपने एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहीं आप लोग को डालना है, ठीक है। डेट डाल देना है, कौन सी डेट को आप जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 19 तारीख तक डेट है, ठीक है, 19 तारीख तक 5 बजे तक। तो आप लोग कल ही, मेरा यही मानना रहेगा आप कल या परसों 16 या 17 को ही कंप्लीट करवा लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, फिर से जाकर आप करवा सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या डालना होगा, पहले सबसे पहले आपको फीस जमा करनी होगी, 3250 रुपये आप लोग को फीस जमा करनी है। 3250 रुपये आप लोग चाहे जो कैटेगरी के स्टूडेंट हो 3250 रुपये जमा करना है। 3250 रुपये जैसे ही आप लोग जमा करेंगे देन उसके पश्चात आप लोग को सेंटर चूज करना है, कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोग को जो सेंटर चूज किए हैं, जो डेट चूज किए हैं कि इस डेट को हम जाना चाहते हैं, उस डेट पर आप लोग को जाना होगा। फिर वहाँ पर जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा सिस्टम, ठीक है, जैसे आप लोग का हो जाएगा तो आप लोग को फिर क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके पश्चात आप लोग को क्या करना है, वहाँ से एक लेटर मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर को आप लोग को डाउनलोड कर लें, वहाँ से लेटर लेकर आप लोग को चले आना, फिर आप लोग को एडमिशन के लिए जाना है। तो आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, गलती नहीं करनी है। सबसे पहले सीट अलॉटमेंट हुआ, देन उसके पश्चात आप 3250 रुपये जमा करेंगे, 3250 रुपये जमा करने के पश्चात आप लोग क्या करेंगे, सीट अलॉट जो हुई है उसका एक लेटर डाउनलोड करेंगे, अभी नहीं हो रहा होगा कल होगा, ठीक है, लेटर डाउनलोड करेंगे। लेटर लेकर आप लोग को जाना है कहाँ पर, जो आपने सेंटर चूज किया है, ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटर, रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के पश्चात आपको एक लेटर मिलेगा, देन आपको एडमिशन के लिए जाना होगा फीस जमा करके, 7000 रुपये फीस जमा करके। आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने हमारा रैंकर्स नंबर वन ने काउंसलिंग किया था ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया है। मगर अगर मैं आप लोगों के सामने प्रूफ की बात करूँ तो मैं कल पूरा सेशन लेकर आऊँगा जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है, पूरा स्टूडेंट से बात करवाऊंगा कितनी कितनी हाई रैंक पर हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सेकंड राउंड में सही तरीके से काउंसलिंग करवाना, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करवाना, 1 साल नहीं बर्बाद करना चाहते, कॉलेज चाहते हैं गवर्नमेंट, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहीं पर आप लोग को अपडेट दूंगा जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारे पास से कैसे काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है, यही प्रोसेस जो समझाना था मैंने समझा दिया है।